हाँ क्या मांग रहा है बेटी इसके बोले ना बोल रहे बोल साजिद बोल अरे बोल रेट बोल बोले ना रे बता ना रे यार हाँ अच्छा और कम ज्यादा हो जाएंगे हाँ हो जाएंगे चलो ठीक है ये हमारे मजीद भाई हैं मकरे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जुम्मे का दिन और भिलवाड़ा में लगी हुई है बहुत बड़ी बकरा मंडी, तो आज हम वहीं पर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं किस किस नस्ल के बकरा आए हुए हैं और कितने बड़े बड़े बकरा आए हुए हैं बकरा मंडी में। तो चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं बकरा मंडी में और क्या चलती है बकरा मंडी, क्या रेट चलती है बकरा ईद के हिसाब से बकरों की, तो हम सब इंफॉर्मेशन वहीं पर देखेंगे। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहें क्योंकि ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है फ्रेंड्स। तो दोस्तों भिलवाड़ा में बकरा मंडी जो है वो लगती है मेटर्निटी हॉस्पिटल के पास में और काफ़ी रश है क्योंकि यहाँ पर लगी हुई है बकरा मंडी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक लग रहा है, तो इतने सारे जानवर आए हुए हैं बकरा मंडी में बिकने के लिए। अब के काफ़ी ज़्यादा बकरे आए हुए हैं, देख सकते हो कितने खूबसूरत हैं ये सब बकरे, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं सब बकरे। यहाँ पर आपको 25,000 से लेकर 1,00,000 तक के बकरे देखने को मिलेंगे और लगभग बकरे स्टार्ट हैं यहाँ पर 25 kg से लेके मतलब 140-170 तक के भी बकरे यहाँ पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। हाँ क्या मांग रहा बेटी इसके बोले ना बोल रहे बोल साजिद बोल अरे बोल रेट बोल बोले ना रे बता ना रे यार हाँ अच्छा और कम ज़्यादा हो जाएंगे हाँ हो जाएंगे चलो ठीक है। ये हमारे मजीद भाई हैं बकरे हैं। अभी जो आप ये वीडियो में बकरा देख रहे हो ये हमारे मोहल्ले में है मजीद भाई, उनका बकरा है और इसका वेट है 75-85 तक का। इसी के पास में खड़ा हुआ है ये गुलाबी गोट, काफ़ी खूबसूरत बच्चा है ये। बकरा मंडी में काफ़ी क्राउड है क्योंकि आज जुमे का दिन भी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश है बकरा मंडी के अंदर, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। और काफ़ी खूबसूरत लगभग 500 से 1,000 जानवर बिकने के लिए आ चुके हैं और अभी भी गाड़ियाँ उतरती ही जा रही है, बकरे और आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब के काफ़ी बड़ी है बकरा मंडी, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर फ्रेंड्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय गाइस।